अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मैं शाने जैनब, तुहाडे अपने प्रोग्राम की होस्ट। नाजरीन, अज दा दिन, अज दी सुबह, अज दी सोहनी सुबह तुहाकू मुबारक होवे। अज इवें मुबारक देंदी पई आं, तुहाकू पता उसे त्रै शबान डी है। तो अगर मैं तुहाकू एक गल दसा कि अज की खूबसूरती, अज की जिहड़ी बेहतरीन ते सब तो खुश आइंद गल है, वह ऊँ शख्सियत की विलादत पा सादत दा दिन है, जिको असा फतेह करबला भी आखते से, जिको आखते से कि उन्होंने सिर पर इस्लाम का एक बहुत सोहना सहरा में है कि उन्होंने तारीख, उन्होंने शख्सियत, उन्होंने अंदर सब कुछ साढ़े नबी पाक की बशाहत मिलती है, उन्होंने शबाहत मिलती है। उन्होंने बारे च मैं जितनी गाल करा उतनी घट है, लेकिन अज मेरे नाल जिहड़े मौजूद मेरे मेहमान मौजूद हैं वह भी करे सन। अज पैदाइश है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी, ते कोशिश करे सा असा उन्हां दे बारे जितनी गाल कर सकूँ उतनी करूँ, तो उन्हां को याद करूँ, तो उन्हां दे जितने भी साड़े किते दिते हुए कुर्बानियां साड़े इस्लाम किते उन्हां दे उत्ते थोड़ा जिहा नज़रसानी करूँ, तो उन्हां को सीखूँ जिहड़ी भी सीखण वाली गल है। तो इतनी खूबसूरत, इतनी म्यादियाँ परफेक्ट लाइफ जी को साड़े किते अल्लाह साईं ने एक असूल बना के, एक तरतीब दे के भेजे, असा पता नहीं क्यों कितना भूल गए से उन्होंने सारी शयों को। साकू साड़े माशरे को जरूरत है, इन टाइम अशद जरूरत है उन्होंने सारी गाली को असा रिवाइज करूँ। गाल करन नाल गाल समझ आती है। अगर असा घर बांधे से जी टाइम कोई भी घर की एजी गाल आँदी है, वड़ियां की एजी गाल आँदी है, अस उन्हों को सुनते से उ टाइम ही सबको अपनी रिवायात, अपनी सखाफत का पता लगता है कि साड़े खानदान की क्या रस्मों रिवाज हैं। इवें ही अगर असं अपने इस्लाम की गाली करे सूँ, घर बह के यह जहाँ माहौल तरतीब दे सूँ, उ टाइम ही साड़े आवन वाली नस्ल को पता लग सके वो क्या गल क्या गल उन्होंने को सीखनी चाहिए कि क्या गल उन्होंने को अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन असं अपनी जिंदगी इतने मसरूफ थी गए से जड़ी तरबीयत साकू करनी चाहिए है, इन टाइम असं अपने गैजेट्स थ्रू करवें पैसे कि बालों को टोटली उन्होंने हवाले करके असं क्या साबित करना चाहते थे। मेरे ख्याल तो अज इन गाल तो थोड़ा जहा असर गिन गिनो कि बेहतरीन जिंदगी अल्लाह साईं सा कुरे थे, एक जिंदगी है, एक मौका है, एक म्यादियाँ सा जितना सवाब कमा सकते थे, क्योंकि आखरत वलों तो बाद मरण तो बाद की जी जिंदगी है उनके बारे सोच गिनो किवें होता है। इतना मैं एक बई गाल रखे था किवें होता है कि जी टाइम साकू अल्लाह साईं दे बारे दसाया वेंदा है, साकू बुराई करन तो बाद जो साकू सजा मिलते मिलते उनके बारे साकू साढ़े माँ प्यो दसेंदे हैं, साकू डरेंदे हैं, वो डर और खौफ चंगा होता ही ना। असा कोई भी ऐसा काम ना करें दिया से कि ना ये तो इवें थी वैसे, असा झूठ बोले सो साड़ी जुबान की वैसे, असा इवें करे सो असा नाराज थी वैसे, वो गालियाँ कितना गई हैं, वो गालियाँ साढ़े अंदर तो हैं ना। इवें ही तो अज तो भी अगर दो चार गाली अपने म्याद रिलेटिड, अपने इस्लाम के रिलेटिड, अपने रस्मों रिवाज के रिलेटिड अपने घर अपने बालों नाल करे सो, अज की गल भी यो है कि मैं समझता कि मेरा हुण तक का सफ़र कामयाब है। मेरे नाल मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तुराबुल हसन सरगाना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आलमी शख्सियत हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इन तो अलावा राइटर हैं, इन तो अलावा बेहतरीन मुसलमान तो बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। सर वेलकम, मोस्ट वेलकम तुहाडे अपने प्रोग्राम पी टी वी का वो मॉर्निंग शो है जो तुसा सारियां दा मॉर्निंग शो है। बहुत शुक्रिया। जिथा तुसा आ के अपने वसेब को वो सब कुछ दसेंदे वे सीखेंदे वे जो असा को जरूरत है, साढ़े माशरे को जरूरत है। जी क्या कहते हो सर? पहले तो मैं PTV नेशनल मुल्तान को ये प्रोग्राम शुरू करने पे मुबारकबाद देता हूँ जिसमें वसेब की बात की जा रही है। लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे से आगाही हो रही है, और यही मकसद होना चाहिए। लोगों की भलाई ही असल में हमारा दीन है। हमारे दीन ने जितना जोर इंसान की फलाह पे दिया है इतना किसी और चीज़ पे नहीं दिया है। इसके बाद आज का जो जिस टॉपिक पे मुझे आपने शर्फ बख्शा है बात करने का, ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे बात करना ही एजाज की बात है, खूबसूरत बात है। तो इमाम आली मकाम नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज योम विलादत है। सबसे पहले सारी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद गुजारिश ये है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपने बच्चों को तीन चीज़ें ज़रूर सिखाओ। आपने अभी नौजवान नस्ल की बात फरमाई, आपने उनको सिखाने की बात की,
हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तीन बातें ज़रूर सिखाएं। जी। सबसे पहले आपने फरमाया मेरी मोहब्बत, इसके बाद आपने फरमाया आहले बैत की मोहब्बत, मेरे आहले बैत की मोहब्बत, और तीसरा आपने फरमाया कुरान। बेशक। और कुरान और आहले बैत का ऐसा एक ताल्लुक है कि आपने फरमाया कि मेरे आहले बैत और कुरान जो हैं ये हौज़े कौसर पे इकट्ठे आएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैंने जो आपको ये दीन सिखाया, जो मैंने आपको तबलीग की, इसका मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे आहले बैत से मोहब्बत की जाए। और साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कुर्बा से मुराद कौन है? आपने फरमाया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अली और हसनैन करीमैन। तो इनकी मोहब्बत जो है ये हम पर फ़र्ज है। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उलमाए कराम जो हैं इस बात पे बहुत तवज्जो देते हैं, तबलीग भी करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया जाए। अच्छा, मैं मतलब कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कि हमें ये तक बताया जाता है कि जी मिसवाक इस तरह का होना चाहिए, फलां चीज़ यूँ होनी चाहिए, ये चीज़ें अपनी जगह पे हकीकत हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे अहम और बड़ी सुन्नत है वो हसनैन करीमैन से मोहब्बत है। अरे यहाँ पे हमारे हुजूर पाक ने क्या खूबसूरत फरमाया, जी हुसैन मुझसे है, हाँ, मैं हुसैन से हूँ, और खुदा कहता है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और इसमें एक बड़ी अहम बात जो है ना, और ये मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी नवीद भी है, कि आप अगला हिस्सा इस दुआ का है कि ऐ अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मेरे ये दोनों शहज़ादे जो हैं हसनैन करीमैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये नौजवान जन्नत के सरदार। इस पे सूफिया ने और उलमाए कराम ने और मुहद्दिसीन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते हैं कि इसका मतलब ये है, क्योंकि दीगर अहादीस से हमें ये पता चलता है कि जन्नत में सिर्फ जवान होंगे, वहाँ पर ना बूढ़ा कोई होगा ना बच्चा कोई होगा, सब की उम्रें बराबर, तो सब जवान होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हसनैन करीमैन जो हैं ये पूरे जन्नतियों के सरदार हैं। क्या बात, क्या खूबसूरत बात सर, शानदार, जिसको कहते हैं आगाज़ खूबसूरत बातों के साथ, और वो बातें जो कि हमारे लिए इस टाइम एक बहुत ज़रूरी, और वो लम्हा जब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बना हुआ है, ज़रूरी हैं कि ये बेसिक्स हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं अपने आप को हटा के और बातों में पढ़ते जा रहे हैं इस चीज़ को। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो होती हैं सर, जैसे रात को सोते टाइम बच्चे को कलमा सिखा, हाँ जी, जैसे रात को सोते टाइम हमारे माँ बाप हमें सूरतें सिखाते थे, हमें स्कूल जाते थे, हमें पता होता था कि आज हमें ये सुनना जाएगा। हम ये चीज़ें बेसिक मेरे ख्याल से हमें मुसलमान बनाने के लिए वो स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, जिसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कोई भी तरक्की कर सकें। इसी के साथ सर बात करेंगे अब थोड़ा सा इस हवाले से भी कि माशाल्लाह आपने जैसे भी बताया कि इतनी खूबसूरत आपने बुक्स लिखी हैं और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से आपने जो टॉपिक्स बताए सर थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जी मेरी तीन बुक्स हैं, पहली तो मेरी थी पंजाब एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया 2020 में, और फिर इसका उर्दू ट्रांसलेशन वो भी मैंने खुद किया है, वो रिसेंटली 2023 में पंजाब और जंग आज़ादी के हवाले से। अच्छा, लेकिन जिस किताब पे मुझे फ़ख्र है और जिसको मैं अपने लिए ज़रिया निजात समझता हूँ वो मेरी किताब है हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे। बिल्कुल, मैं भी इसी किताब के हज़रत इमाम आली मकाम के दादा
और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद थे। तो मेरा एक जब से मैंने तारीख़ पढ़नी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं तारीख़ का ही तालिब इल्म हूँ, मेरी PhD भी हिस्ट्री में है और हाँ जी पढ़ा भी रहा हूँ काफ़ी अरसा से, तो तारीख़ में जिस शख्सियत के साथ सबसे ज़्यादती की गई है ना, वो सैयदना अबू तालिब की शख्सियत है। सच्ची दिल की बात यहीं पे आपकी बात पे वो करना चाहूँगी, क्योंकि रहा नहीं गया मुझसे जी जी। कि जब आपने मुझे इस बुक का नाम बताया ना, प्रोग्राम शुरू करने के बाद तक मैं उस लम्हे में रुकी हुई थी। मेरा मकसद ही आपकी किताबों पे आने का यही किताब और उसका उन्वान था, क्योंकि बहुत सुना है, बहुत राइटर से मिले हैं, बहुत बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कभी भी स्पेसिफिकली किसी को सबसे पहले इस पे लिखते नहीं देखा। हाँ, जब से मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की और मैंने जब ये पढ़ा अपनी किताबों में, जो हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं ज़ाहिर है कि जी हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने बकौल उनके कि जी इस्लाम कबूल नहीं किया, तो मैंने कहा ये बात अक्ल मानती नहीं है ना, कि एक शख्स है। अच्छा, हम इस बात को बड़ा कोट करते हैं कि हिजरत की रात मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बिस्तर पे तशरीफ़ फरमा थे जहाँ पे मौत का पूरा 100% इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहली दफ़ा नहीं हुआ। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हर रात आका करीम की जगह पे अपने बेटों को लिटाते थे, शुरू से बचपन से, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दे। और सिर्फ भतीजे की बात नहीं थी, असल मकसद काज की थी, उनके मिशन की बात थी। फिर ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो मतलब कोई मजहबी हवाले से इतनी कोई मेरा नहीं था, लेकिन ये उनकी अपनी मेहरबानी और उनकी अपनी सरपरस्ती थी कि उस किताब को उलमा व मशायख ने बड़ा सराहा है माशाल्लाह, और बड़ी उसको पज़ीराई मिली है। ये पहले लाहौर से पब्लिश हुई है, अब ये लखनऊ दिल्ली से वो लोग उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये मैं समझता हूँ, जैसे कि सर सैद ने कहा था कि ना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि जी अगले जहाँ अगर मुझसे अल्लाह कहेगा कि क्या साथ लाए हो, तो मैं कहूँगा हयात जावेद लिख के लाया हूँ। तो हमारे पास तो और कुछ नहीं और है, कुछ हमारे नामा आमाल में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो ये किताब ले जाएंगे और यही ज़रिया निजात बनेगी इंशाल्लाह। सर मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है कि इस किताब का मैं जिक्र करती, और कहते हैं ना कि दिल को जो बात भा जाती है इंसान वहीं पर रुक जाता जी, है जी बिल्कुल। आपसे बात करते हुए जब आपने किताब का जिक्र नाम बताया, मैं वहीं पर रुकी हुई थी। मैंने कहा नहीं, मेरे प्रोग्राम में ये कैसे हो सकता है कि मैं हर बात पे बात हो जाती है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इंसान की कोई ऐसी कामयाबी होती है जो कहीं आपको भी अट्रैक्ट कर जाती है, आपके अंदर भी वो उसका प्रॉपर असर रह जाता है। सर बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबाहत की जी, जहाद की, किरदार की बड़ी तशबीह दी जाती है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस बारे में क्या फरमाएंगे? मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहे तो सर से गर्दन तक हसन को देख ले और गर्दन से पांव तक हुसैन अलैहिस्सलाम को देख ले। और ये ऐसी नहीं है, देखिए आका करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, दाएं घुटने पे मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और बाएं घुटने पे आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ फरमा है, तो जिब्रील आ जाते हैं जी। कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि इन दोनों में से एक आप रखें, एक मुझे दे दें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं। क्या बात, इब्राहीम 3 दिन बाद हल्का सा बुखार होता है और वो अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, और हुसैन अलैहिस्सलाम को इसलिए जो आपने अभी फरमाया था ना कि आका करीम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। अगर इसको देखें ये बात तो समझ आती है कि हुसैन हुजूर से हैं, उनके नवासे हैं, और आपने कभी उनको नवासा नहीं कहा, बेटा कहा है, बेटा कहा है।
आप आयत मुबल्ला में जहाँ अबनाओ ना का लफ्ज़ आया है कि आप अपने बेटों को ले आएँ, तो आप हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके गए हैं। तो ये बात जो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हुसैन से हैं, तो इसके लिए फिर हमें कुरान पाक की तरफ रजू करना पड़ेगा। तो कुरान जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान करता है तो वहाँ पे एक आयत है वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, अल्लाह फरमाता है कि हमने इस्माईल के बदले में एक बड़ी कुर्बानी दी। बड़ी कुर्बानी। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी है, नबी ना भी हो इंसान है, इंसान के मुकाबले में मेंढे की कुर्बानी बड़ी नहीं कुर्बानी होती, बड़ी कुर्बानी बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी, इब्राहिम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में जो बड़ी कुर्बानी दी गई वो करबला में दी गई। करबला में दी गई। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। अगर वो कुर्बानी उस वक्त इस्माईल कुर्बान हो जाते तो नस्ल ख़त्म हो जाती, तो उसी नस्ल से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इसलिए एक तो ये माना, और दूसरा फिर जो दूसरा माना है कि मेरे दीन को मेरा ये बेटा बचाएगा तो मैं हुसैन से हूँ। मैं हुसैन से हूँ, क्या खूबसूरत तकदीर, क्या कितना मैं कहती हूँ शानदार मंज़र होगा, क्या उस टाइम का आलम होगा कि जिस टाइम हुज़ूर पाक की गोद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया गया और आपने अज़ान दी। मैं और उस टाइम की खुशी और उस टाइम के बारे में क्या पढ़ा है सर आपने, क्या लिखा है उस बारे में? वो हजरत मुझे अब उनका उम्मे अमन गालबन की बात है जी, के ना उम्मे फजल जी, हजरत हजूर के चचा हजरत अब्बास की जो वाइफ हैं जी, वो एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और वो कहती हैं कि जी मुझे बड़ा बुरा ख्वाब आया है कि जी आप बड़ी परेशान हैं। तो आप कहते हैं, फरमाते हैं कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो वो कहती हैं कि आपका एक टुकड़ा काटा गया और वो मुझे दे दिया गया है। तो आप कहते हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो मेरे बेटा हुसैन होगा जिसको तू अपनी परवरिश में करेगा। तो ये बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत को बार बार इस बात की तबलीग करना और इस बात की ताकीद करना, देखें सबसे अहम रुकन नमाज है बेशक। हाँ जी, जब अल्लाह की बारगाह में बंदा खड़ा होता है बेशक, और उसमें सबसे अहम रुकन फिर सजदा है, सजदा है बेशक। तो हसनैन जब आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, अल्लाह से मुलाकात में हैं और वो आके सवार हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि अभी आपने इरादा फरमाया था कि मैं सजदे से सर उठाऊं, तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया कि ये जब तक अपनी मर्जी से ना उतरें तब तक आपने सजदे से सर नहीं उठाना। और इसी तरह आप जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे जी, तो खुतबा भी एक जुमे का खुतबा हो और वो मतलब वाजिबात में से है और बड़े ज़रूरी होता है, तो हसनैन आते हैं और क्योंकि आपकी उम्र 4 हिजरी में तो आपकी वलादत है बिल्कुल। हाँ जी, तो उस वक़्त आप तो 5-6 साल के थे, 7 साल आपने अपने अजीम नाना के ज़ेरे साया गुजारे हैं, तो वो चूँकि डिगमगा रहे थे बच्चे जिस तरह होते हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़ के यूँ तेज़ी से जाते हैं और उन दोनों को उठा के ले आते हैं। तो ये प्यार जो है, ये मिसाली प्यार है। अब यहीं पे सर हम एक और ज़िक्र करते हैं, हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल ज़िंदगी के मकसद का, उनकी दी गई उस कुर्बानी का जो कि हम लोगों के लिए थी, अपने इस्लाम के लिए थी। आप क्या समझते हैं कि हमें किस किस बात को याद रख के ख़ुद को दुरुस्त करना चाहिए कि हमारा ईमान पहले की ही तरह उजागर रहे? एक थोड़ी सी बात मैं उसमें हुसैनी भी थोड़ी सी करूँगा। आप अभी बच्चे थे जी, आपने वजू फरमा लिया था, आपने एक अरब देहाती को देखा कि वो गलत वजू कर रहा है गलत तरीके से, तो आपने ये नहीं कहा कि बाबा तू गलत वजू कर रहा है, आपने फरमाया
बाबा मैं ज़रा वजू करता हूँ करता तो मुझे आप बता दीजिएगा अगर मैं कहीं पे गलती करूँ तो। क्या खूबसूरत अंदाज है, तबलीग है ना, क्या तबलीग है। अच्छा, अब बाबे ने जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को वजू करते देखा तो उसने कहा ये तो गलत कर नहीं सकते, कर नहीं इसलिए गलती मेरी हाँ ही है। सर कितना बड़ा सबक है कि हम लोग कितने शानदार तरीके से बड़ा फख्र महसूस करते हैं किसी को भी उसकी गलती बाकायदा 10 बंदों में बताकर उसकी गलती को उसका गुनाह बना दिया जाता है। कितनी अच्छी बात है, क्या खूबसूरत तरीका कार है। एक दफ़ा आपका खादिम आपको वजू करवा रहा है, वो खादिम भी उस दौर के खादिम थे जाहिर है बेशक, तो वो पानी कहीं आप पे गिरा तो यूं आपने अभी थोड़ा ऊपर गुस्से से देखा तो खादिम ने कुरान की आयत पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गाइज़ा, वो गुस्से पर काबू पाने वाले हैं। तो आपने फरमाया मैंने गुस्से पर काबू पा लिया। उसने कहा वल आफीन अनिन्नास, और वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये मोमिनीन की अलामात कुरान ने बयान की ना, तो आपने कहा जा तुझे माफ़ किया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और वो अल्लाह जो है वो एहसान करने वालों को पसंद करता है, पसंद करता तो आपने फरमाया जा तुझे आज़ाद किया। तुझे अब आपने जो करबला के हवाले से बात कही कि हमें दर्स क्या है, इसमें वो जैसे मैंने पहले एक बात कही कि हुजूर की सारी सुन्नतें प्यारी हैं, सारी सुन्नतें अजीम हैं, हर सुन्नत की अपनी अजमत है, अपनी अजमत है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि जो सबसे अहम सुन्नत और सबसे बड़ी सुन्नत है वो हसनैन से मोहब्बत है। इसी तरह सूफिया ने लिखा कि दुनिया में जो सबसे बड़ी तौहीन रिसालत की गई है वो उस गले को काटा गया जिसको रसूलुल्लाह बोसे देते थे। तो अगर करबला ना होता तो हलाल हराम की तमीज़ ना होती, इस्लाम का नामो निशान ना होता, तो करबला ने आज हम अगर हमारी मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। तो ये करबला का सदका है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद चंद सत्रों में। जी मैं कहता हूँ 1000 सफ़े की किताब एक तरफ और उनकी वो 4-5 लाइनें एक तरफ। जब आप फरमाते हैं कि दीन अस्त हुसैन, यानी दीन ही हुसैन है और दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। और नाजरीन एक गिनसो छोटी जी ब्रेक की था ना वैसो सारे नाल भाई मेहमान मौजूद हैं उन्हों का तारुफ भी करवेसा, लेकिन एक छोटी जी ब्रेक तो बाद।